फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं YT स्टूडियो के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हो और यूट्यूब की सारी वीडियो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एडिट करते हो, तो वहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम आ रही होगी कि जब भी आप क्रोम ब्राउज़र पे अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करते हो और अपने क्रोम ब्राउज़र पे आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे जब जाते हो और YT स्टूडियो को वहाँ पे ओपन करते हो, तो जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देता है अपने YT स्टूडियो ऐप पे, और वहाँ से हम जो है कुछ कर नहीं पाते। हम ना कार्ड लगा पाते हैं, हम वहाँ पर ना जो है एंड स्क्रीन लगा पाते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अभी स्टार्ट होनी शुरू होगी, पहले ऐसा नहीं था। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में YT स्टूडियो को ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो नॉलेजफुल होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपका जो है एक यूट्यूब चैनल है और आप अपने यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब अपने फ़ोन से ही अपलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती होगी क्रोम ब्राउज़र की। क्रोम ब्राउज़र पे आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाते हो, साइड में आप देख रहे होंगे, आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी कि जब भी आप क्रोम ब्राउज़र पे YT स्टूडियो पे जाते हो एंड स्क्रीन लगाने, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप जाते हो क्रोम ब्राउज़र पे, और क्रोम ब्राउज़र पे जैसे आप जो है वहाँ पे YT स्टूडियो को ओपन करते हो तो वो सीधा रीडायरेक्ट कर देते हैं आपको YT स्टूडियो के ऐप पे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, स्क्रीन साइड में ऑन है, सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे 3 डॉट पे जाना है, वहाँ पे सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइड में टिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सीधा सर्च करना है studio.youtube.com। जैसे ही आप studio.youtube.com को सर्च करते हो, टैप करते हो, तो सीधा अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है क्रोम ब्राउज़र पे ओपन है, तो सीधा जैसे ही आप इसे टैप करते हो तो ये आपको YT स्टूडियो ओपन हो के आ जाएगा। आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे सीधा जो है YT स्टूडियो ओपन हो जाता है, आपका चैनल जो है वहाँ पे ओपन हो जाता है, और वहाँ पे आप एंड स्क्रीन या फिर कार्ड लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको एडिट करना है, टेक्स्ट लगाने हैं, टैग लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन लगाने हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ 1 महीने या 2 महीने से आप कह सकते हो ये प्रॉब्लम आ रही थी, कि अगर अभी भी आपको पता नहीं, अगर आप जो है सीधा YT स्टूडियो में जाओगे वहाँ से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, और गूगल क्रोम में जाके अगर आप सीधा अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करते हो और यूट्यूब चैनल पर जो लोगो है वहाँ पर जाके आप YT स्टूडियो का ऑप्शन आता है वहाँ पर अगर आप टिक करते हो, टैप करते हो, तो सीधा वो आपको YT स्टूडियो ऐप पे ले जाता है, वहाँ से हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आप ऐसे करके जो है सीधा गूगल क्रोम ब्राउज़र पे अपने YT स्टूडियो को जो ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।